Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Mohammad Sharif, your course instructor for digital logic design. Today we are going to have our lecture 25 for our online classes, and we are going to discuss functions of combination logic. This is part 3. In this part we are going to discuss number of other functions of combinational logic. So first is the code converters. कोड कन्वर्टर में हमने एक टाइप के कोड को दूसरे टाइप के कोड में कन्वर्ट करना है। आप इस कन्वर्जन में आप कोई नंबर सिस्टम की बात करें या किसी और तरह से बात करें, लेकिन एक टाइप के कोड को हमने दूसरे टाइप के कोड में कन्वर्ट करना है और इसकी टेक्निक को समझना है, इसको डिस्कस करना है। इसमें हम बीसीडी टू बाइनरी कन्वर्जन को डिस्कस करेंगे और बाइनरी ग्रे कन्वर्जन, यानी बाइनरी टू ग्रे और ग्रे टू बाइनरी को हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले बीसीडी टू बाइनरी। अब बीसीडी टू बाइनरी को कन्वर्ट करने के लिए एक चंद चीजें मैंने डिस्प्ले की हैं, तीन पॉइंट्स को आप पढ़िएगा। द वैल्यू और वेट ऑफ ईच बिट इन बीसीडी नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ बाइनरी नंबर। ठीक है जी, फर्स्ट पॉइंट इज दिस, इसको हम इंशाल्लाह एक एग्जांपल से समझेंगे। सेकंड पॉइंट, ऑल ऑफ द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेट्स ऑफ द बिट्स दैट आर वंस इन द बीसीडी नंबर आर एडेड। The result of this addition is the binary equivalent of the BCD number. तो आपके पास एक BCD number given है। BCD number की information आपके पास होनी चाहिए, otherwise पहले आप उसको review करें, उसको दोहरा दें, फिर आप इस slide पे आके इसको समझे तो आपको आसानी होगी। The value or weight of each bit in BCD number is represented by a binary number. देखिए, BCD नंबर में हमारे पास, जैसे कि आपको पता है, BCD कोड है, हमने 8421 कोड को डिस्कस किया, हम उसी को ही यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो उसमें हम हर डेसिमल नंबर को बाइनरी के चार बिट से रिप्रेजेंट करते हैं, हर डेसिमल नंबर को बाइनरी के चार बिट से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि हमारे पास एक नंबर है 87, जो डेसिमल नंबर है। 7 के लिए हमने बाइनरी के चार बिट्स लिए, 8 के लिए भी हमने बाइनरी के चार बिट्स लिए। तो 7 को हमने रिप्रेजेंट किया जैसे नॉर्मली 7 लिखते हैं बाइनरी में, और 8 को हमने रिप्रेजेंट किया 8। अब इस बीसीडी को मैं बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करूंगा? देखिए, हमारे पास जो 1000011 ये बीसीडी है, इसको आप बाइनरी ना समझो। ठीक है, दिस इज द बीसीडी ऑफ 87 डेसिमल नंबर। 1000011 इज द बीसीडी कोड ऑफ 87 डेसिमल। ये बाइनरी नहीं है कि आप 1 और 0 की वजह से परेशान हो या कंफ्यूज हो या इसको समझने में आपको दिक्कत हो। अब बीसीडी के जो हमारे पास जितने भी बिट्स हैं, इसके एक वेट होगा, इसका एक वेट होगा, इसका एक वेट होगा, इसका एक वेट होगा, इस तरह इसका भी एक वेट, इसका भी एक वेट, इसका भी एक वेट और इसका भी एक वेट होगा, जो अलग अलग वेट होंगे। और हमें पता कि डेसिमल में जो फर्स्ट राइट मोस्ट डिजिट है वो यूनिट डिजिट है, उसके बाद 10 डिजिट है, उसके बाद 100 डिजिट है, इस तरह आप चलते चले जाते हैं। तो दिस इज द यूनिट डिजिट, दिस इज द 10 डिजिट। जैसे आपके आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि हमने दो डिजिट पर मुश्तमिल एक डेसिमल नंबर को बीसीडी में रिप्रेजेंट किया। तो हर जो डेसिमल डिजिट है वो चार बाइनरी नंबर पर, उसके लिए हम चार प्लेसेस यूज करते हैं। अब ये जो है आपके पास यूनिट डिजिट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं चार, जैसे आपको यहाँ नजर आ रहा है ना 0111, ये यूनिट डिजिट 7 के लिए हमने इसको इस्तेमाल किया, और 1000 ये 10 8, जो 10 डिजिट है, जो 8 है उसके लिए हमने इसको रिप्रेजेंट किया। और हमें पता है कि डेसिमल में आप यूनिट से 10 पे जाते हैं, फिर 10 से 100 पे जाते हैं, तो वेटेज में 10 गुना का इजाफा होता है, 10 टाइम्स का। जैसे आपके पास अगर इसके यूनिट 1 है, ठीक है जी, ये 1 के बराबर है, और यहाँ पे आएंगे तो ये 1 नहीं बल्कि ये 10 के बराबर है, और ये 2 के बराबर है, तो हम यहाँ पे आएंगे तो इसके वेटेज 2 नहीं बल्कि 20 है। इस तरह यहाँ पे जो वेटेज है वो इसके बराबर है 4 के, बानी के लिहाज से देखते हैं तो 4 के, तो यहाँ 4 नहीं बल्कि 40। डेसिमल में हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते हैं तो 10 गुना का फर्क पड़ता है। और यहाँ पे 8, इसके वेटेज 8 है बाइनरी के लिहाज से, लेकिन हम जब डेसिमल की बात करेंगे तो ये फर्स्ट डिजिट अगर 8 है तो सेकंड डिजिट में चौथे प्लेस पे आप जाएंगे
बीसीडी में चौथे प्लेस पे आप जाएंगे तो इसके वेटेज क्या होगी, 18। तो यही चीज यहाँ पे समझाने की कोशिश की जा रही है कि यूनिट के जो वेट्स हैं इनको हमने A0, A1, A2, A3 का नाम दिया और 10 के जो बिट्स हैं उनको हमने B0, B1, B2, B3 का नाम दिया अपने समझ के लिहाज से। तो ये हमारे पास जो बिट्स इस्तेमाल है वो यूनिट डिजिट के लिए, और ये बिट इस्तेमाल हो रहे हैं वो 10 डिजिट के लिए। तो यूनिट और 10 में कितने गुना का फर्क होता है, 10 टाइम्स का। तो इसके वेटेज अगर 1 है तो इसके करस्पॉन्डिंग ये जो फर्स्ट है ना इसके वेटेज 10, इसके 2 है तो इसके 20, इसके 4 है तो ये 40, ये 8 है तो 80। ठीक है जी, तो यहाँ तक अगर आपको इसकी समझ आई तो हम जरा इसको दोबारा यहाँ पे देखते हैं। द वैल्यू और वेट ऑफ ईच बिट इन द बीसीडी नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ बाइनरी नंबर, बाय अ बाइनरी नंबर। देखिए अभी तो हमने बाइनरी से रिप्रेजेंट नहीं किया, इस पहले वाले के वेट को हमने 1 कहा, इसके वेट को 2 कहा, लेकिन 2 को बाइनरी में हम कैसे लिखते हैं, 10। 2 को कैसे लिखते हैं, 10। और इसके वेट को मैंने 4 कहा तो 4 को कैसे लिखते हैं, 100। इसके वेट को हमने 8 कहा तो उसको हम 1000। अब इसके वेट को हम क्या कहते हैं कि इसके वेट तो 10 है या इसकी वैल्यू 10 है, तो यहाँ पे अगर बीसीडी में इस जगह पे 1 मिले तो आप 10 लेंगे, लेकिन 10 कौन सा, बाइनरी का, और बाइनरी का 10 आप कैसे लिखते हैं, 1010। इससे 20 के लिए एक बाइनरी जो नंबर है आप उसको इस्तेमाल करेंगे। तो जहां जहां बीसीडी में 1 आपको नजर आया है, जैसे ये 1 है तो आप इस 1 को लेंगे, ये 1 है तो आप इसको 1 इसको लेंगे, और एक अगला 1 है इसको लेंगे, ये इस प्लेस पे तो 0 इसको आप छोड़ दें, इस तरह सबसे आखिर में आपको 1 नजर आ रहा है आप इसको लेंगे यहाँ पे 1। अब मैंने यहाँ 1 लिया, बाइनरी में किसके बराबर है, सिंपल 1, आप ऊपर लिखे 1 और इस प्लेस पर भी 1 है तो बाइनरी में ये 2 है, 2 को कैसे लिखते हैं, 10। फिर यहाँ पे 1 है इसको कैसे लिखेंगे, 100। अब सबसे आखिर में जाके 1 है, अब बताएं इसको हम कैसे लिखते हैं, सारी बात हम उसी लिहाज से लिखेंगे कि हम, हमें पता है कि 80 को मैं 64 और 16 लिख सकता हूँ, तो 64 में अब मुझे यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा, फिर 000 बल्कि यहाँ पे 1, फिर 00, फिर यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा, बाकी तमाम 0। इसकी एग्जाम्पल देखते हैं, इंशाल्लाह ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। तो वी गो बैक अगेन, ऑल ऑफ द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेट्स ऑफ द बिट्स दैट आर वंस इन द बीसीडी नंबर आर एडेड। तो हम आते हैं एग्जाम्पल की तरफ ताकि आपको इसको समझने में आसानी हो। एग्जाम्पल में हमसे ये पूछा गया कि एक बीसीडी नंबर गिवेन है, बल्कि 2 नंबर गिवेन है, पहले हम एक पे डिस्कस करते हैं, उसको समझते हैं एग्जाम्पल से, इंशाल्लाह इसकी जो इसके पॉइंट्स की आपको समझ आ जाएगी। बीसीडी नंबर इज दिस, जो डेसिमल में वैसे 27 के बराबर है, और डेसिमल का 27 लेके उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना ये हम बहुत पहले सीख चुके हैं, इसको रिपीटेडली डिवाइड बाय 2 या किसी और मेथड से आप बड़ी आसानी से बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, हमें उस मेथड को इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है जी, पहले हम देखेंगे जो बीसीडी है उससे हम डायरेक्टली बाइनरी पे कैसे जा सकते हैं, या सिर्फ उसी नंबर को इस्तेमाल करें, इस डेसिमल को ध्यान में ना दें। तो मेरे पास नंबर है 001001111, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है जी, अब ये 27 के कैसे बराबर है, हमें पता है कि शुरू के 4 आप बिट्स को लेंगे, इससे बाइनरी में जो नंबर बनेगा वो लिख देंगे, ये है 0111, तो ये 7 के बराबर है, किसके बराबर है, 7 के बराबर, और बाकी के 4 मेरे पास 01, अगर यहाँ से देखो तो 0010, ये 2 के बराबर है, तो ये डेसिमल में 27 था जिसको हमने बीसीडी में इस तरह कन्वर्ट किया। अब मैं इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहूँगा तो सबसे पहले मुझे ये पता हो कि जो करस्पॉन्डिंग वेट हैं वो किसके बराबर है। तो शुरू के 4 जो आपके पास बिट्स होते हैं बीसीडी में उनके वेट 1, 2, 4, 8 है, उससे अगले 4 के जो वेट होंगे वो 10, 20, 40, 80। अगर बिल्कुल इसके बाद भी आपके पास नंबर ऑफ बिट्स होते हैं तो फिर आप उससे अगले में आप 100, 200, 400, 800 इस तरह जाते, क्योंकि ये डेसिमल के लिहाज से इनके प्लेस आप चेंज करें, और डेसिमल में 10 गुना का फर्क पड़ता है, 1 से 10 हो गया, 2 से 20, 4 से 40, 8 से 80। अब नेक्स्ट आप उसमें आएंगे तो उसमें आप 100, 200, 400 और 800 लेंगे। बहरहाल हमने सिंपल केस लिया,
अब हम देखते हैं कहां कहां पे वन आ रहा है, यहां पे वन आ रहा है तो वन को हम ऐसे ही लिखते हैं जीरो जीरो। अब 8 बिट के लिहाज से हम लिखते हैं नंबर 8 बिट पर मुश्तमिल तो हम इसको ऐसे वन लिखते हैं। टू हम कैसे लिखते हैं बाइनरी में, तो टू की प्लेस पे वन आ रहा है तो बाइनरी में टू तो ऐसे लिखते हैं 10, बाकी जगह जीरो लिख दें। फोर के प्लेस पे है तो इसको लिखते हैं, अब आगे किस प्लेस पे है 120 को कैसे लिखेंगे, ये तो आपको जरा सी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो 20 को हम इस तरह लिखते हैं बाइनरी में, ये बाइनरी में 20 इस तरह लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, जैसे आपके पास है ये 4 हो गया 8 और 16, तो 16 और 4 किसके बराबर है 20 को, तो ये 0 0, ये जो 1 है वो 4 का बराबर है और ये 1 है वो 16 के, तो 16 और 4 20। ये बाइनरी के लिहाज से थोड़ी आपकी ज्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो वो दोबारा मैं आपको समझा देता हूँ, किसी भी नंबर लिख दें उनके कोरिस्पॉन्डिंग वेट्स ऊपर लिख दें, जहां पे वन आ रहा है वो नंबर आप सिलेक्ट करेंगे लेकिन उसकी बाइनरी वैल्यू आप यहाँ पे लिखेंगे। जैसे 4 है तो 4 लिखेंगे लेकिन बाइनरी में लिखेंगे, 20 है तो 20 लिखेंगे लेकिन बाइनरी में, उसके बाद सिंपली आपने इनको जमा करना, सिंपली जैसे जमा करते हैं। तो इस तरह आप BCD को कन्वर्ट कर पाएंगे किसमें, बाइनरी में। तो बाइनरी नंबर फॉर डेसिमल 27। अब इसको अगर आपने रिचेक करना है तो 27 को रिपीटेडली डिवाइड कर लें 2 के साथ जैसे आप करते आ रहे हैं, तो इससे आप इसको चेक कर सकते हैं कि आंसर आपका सही है या नहीं। दूसरा नंबर हमें गिवन है वो 98, ठीक है जी। तो 98 में हमारे पास शुरू के 4 बिट्स हैं और उसके बाद के 4 बिट्स। शुरू के 4 बिट किसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे, 8 के लिए, और बाद के 4 बिट्स 9 के लिए। अब शुरू के 4 बिट में बाइनरी के लिहाज से देखें 8 कैसे बनेगा, 1000, और बाकी के लिहाज से अब 9 करेंगे तो 1001। ये बाइनरी के लिहाज से विद इन आप अगर आप एक एक यूनिट की बात करेंगे। अब हमें पता है कि ये यूनिट डिजिट है के लिए और ये 10 डिजिट के लिए, तो उसी लिहाज से हम इसको लेके चलेंगे। यहाँ पे हमें 1 नजर आ रहा है, 1 के करस्पॉन्डिंग वेट को देखेंगे, 1 के करस्पॉन्डिंग वेट क्या है, 1 के करस्पॉन्डिंग वेट 8 है, और 8 को बाइनरी में हम कैसे लिखते हैं, 1000। बाकी चूंकि मुझे जितने बिट्स चाहिए थे उतने बिट के लिहाज से मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा जीरो लगा दूंगा, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 इन्होंने बिट लगाए, तो यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट नजर नहीं आ रहे मुझे, शायद ये प्लस माइनस या किसी मिसिंग की वजह से है, ये जीरो छोड़ दिया, आप जीरो लिख सकते हैं। एनी हाउ 10 को बाइनरी में हम कैसे लिखते हैं, 1010, बाकी आप 00 लिख दें। और 80, अब चूंकि 80 तक जाने के लिए हमें सिर्फ 7 बिट की जरूरत है इसलिए 7 बिट तक हम जा रहे हैं, शायद ये वजह ये हो। आप 8 बिट तक लिख दें तब भी कोई टेक्निकल वो इशू नहीं। 80 को हम कैसे लिखते हैं बाइनरी में, वो इस तरह लिखते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आपने सिंपली इन सबको जमा करना, इनको क्या करना है, सिंपली ऐड करना या जमा करना, ठीक है जी। तो इस तरह आप BCD को बाइनरी में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो थोड़ा सा मैं इसको रिपीट करता हूँ, BCD नंबर ले लें, BCD नंबर के जो डिजिट हैं बाइनरी के लिहाज से 4-4 पर मुश्तमिल आप उनकी रिप्रेजेंटेशन लिख दीजिएगा, जैसे यहाँ पे है और यहाँ पे। अब आप BCD के लिहाज से उनके ऊपर वेट भी लिख दें, जहाँ आपको 1 नजर आ रहा है उस 1 के वेट की वैल्यू बाइनरी में लिखना शुरू करें। देखिए इस प्लेस में वेट क्या है 8, इस प्लेस में 10 है, इसमें 80, तो आप 8, 10, 80 की बाइनरी वैल्यूज यहाँ पे लिख दें, उनको जमा कर दें। तो इस तरह आप जो नंबर है उसको बड़े आसानी से बाइनरी में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो दिस इज सिंपल कोड कन्वर्जन फ्रॉम BCD टू बाइनरी। तो हमारे पास ये एग्जांपल है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे पास 2 डिजिट पर मुश्तमिल एक BCD है, तो उसके एक डिजिट को मैंने उसकी एक डिजिट के बिट्स को A0, A1, A2, A3 का नाम दिया, दूसरे को B0, B1, B2, B3 का नाम दिया, इसके करस्पॉन्डिंग हमने वेट यहाँ पे लिख दिए, ठीक है, इनके करस्पॉन्डिंग वेट हमने लिख दिए। अगर 1 आता तो मैं कैसे लिखूंगा, वैसे लिखूंगा, 7 बिट पर मुश्तमिल एक नंबर है, क्योंकि 80 जो 7 बिट पर आता है तो 7 बिट इस सिस्टम के लिहाज से ज़्यादा। अगर हमारे पास BCD में नंबर ऑफ डिजिट ज़्यादा होते तो फिर हम अगले जो है बिट को भी इस्तेमाल कर सकते थे करते। 2 के लिहाज से मैं 10 लिखूंगा, इस तरह 4 है, 8 है, फिर 10 है, फिर 20 है और 40, उसके बाद 80, ठीक है जी। तो बाइनरी BCD टू बाइनरी कन्वर्जन इज सिंपली अगेन डिस्प्लेड देयर।
इसके एक एग्जांपल, बल्कि हमने दो एग्जांपल को डिस्कस किया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बाइनरी टू ग्रे और ग्रे टू बाइनरी कन्वर्जन है। अब मैं दोबारा आपसे ये चाहूंगा कि ये सेम टॉपिक जो कि हमने शुरू के चैप्टरों में नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, वहां हमने काफी डिटेल में इसको डिस्कस किया, तो पहले इसको आप रिवाइज कीजिएगा, ठीक है जी। अब जब आप उस रिवाइज करके इन स्लाइड पे आएंगे तो फिर आपको बड़ी आसानी से इसकी समझ आएगी, बसूरत दीगर हो सकता है आपको समझने में दिक्कत हो। तो बहरहाल जब आप उस टेक्निक को समझेंगे, अब आपने काफी चीजों को पढ़ लिया, आपने गेट्स को, फंक्शन वगैरह को पढ़ा, अब जब आप दोबारा बाइनरी ग्रे कन्वर्जन जो हमने अर्ली लेक्चर में इनको डिस्कस किया उसको देखेंगे तो आपको फर्क नजर आएगा समझने में, आपको समझ आएगी कि हम ये गेट्स क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बहरहाल हमने जब बाइनरी से ग्रे में कन्वर्ट करना हो, बाइनरी के चार बिट्स हों तो चार बिट ग्रे में आपने कन्वर्ट करना होगा, तो एक सिंपल सर्किट जिसमें एक्सॉर को इस तरह इस्तेमाल करते हैं हम लगा देते हैं, ठीक है जी। तो V3 विल कम एज इट इज, और V3 और V2 को एक्सॉर करेंगे, इस तरह V2 और V1 को एक्सॉर करेंगे उनका रिजल्ट, फिर V1 और V0 का एक्सॉर करके उनका रिजल्ट। ये G0, G1, G2, G3 आपके पास ग्रे जो कोड है उसके बिट्स हैं, और B0, B1, B2, B3 ये बाइनरी के बिट्स हैं। तो यहाँ पे एक तो बाइनरी को ग्रे कोड सीक्वेंस के साथ आपको दिखाए गए हैं। सेम टेबल आप इस्तेमाल कर सकते हैं ग्रे टू बाइनरी कन्वर्जन की चेकिंग के लिए। अच्छा, अब यहाँ पे जो लिस्ट है या ट्रुथ टेबल है, जैसे भी आप इसको समझ लें, इसमें कोई आप एक नंबर बाइनरी का ले लें, जैसे 0101, इसमें ये 1 B0, ये 0 B1 और ये 1 B2 और ये 0 B3, तो आप यहाँ पे वैल्यूज लिख दीजिएगा B0, B1, B2, B3 और यहाँ पे XOR का प्रोसेस करते जाइएगा, और जो रिजल्ट आया था उसको आप कंपेयर कीजिएगा कि वो रिजल्ट ग्रे कोड का जो यहाँ पे लिस्ट है वो सेम यहाँ पे आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इससे आप 3-4 कोड को इस तरह चेक कीजिएगा, बाइनरी नंबर आप लेके यहाँ पे प्लेस कीजिएगा, उनके एक्सॉर के ऑपरेशन के जरिए और इस सर्किट को इस्तेमाल करते हुए इनके करस्पॉन्डिंग ग्रे आप डिजिट हैं या बिट्स हैं वो आप जनरेट करने और उसको कंपेयर करें इस लिस्ट से, ठीक है जी। अब इसी तरह ग्रे से अगर मैं बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहूँ, अब अगर आपने ग्रे टू बाइनरी कन्वर्जन को रिपीट कर लिया तो फिर इस सर्किट की आपको समझ आ जाएगी कि हम जो मोस्ट सिग्निफिकेंट जो आपके बिट है, चाहे बाइनरी हो या ग्रे में, उसको एज इट इज ले देते हैं, फिर उस बिट को और उससे अगले बिट को हम एक्सॉर करते हैं, और उसका रिजल्ट उससे अगले बिट को एक्सॉर करके रिजल्ट आते हैं, फिर उसको लेके उससे अगले बिट को हम मोस्ट सिग्निफिकेंट से यानी लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, जो नंबर हम लिखते हैं कन्वर्जन करते हुए, ठीक है जी। तो इस तरह आप ग्रे से बाइनरी कोड कन्वर्ट कर पाएंगे। तो मैं दोबारा आपसे चाहूंगा कि आप पहले उस नंबर सिस्टम में जाके ग्रे टू बाइनरी कन्वर्जन को रिपीट कर लें, रिवाइज कर लें। हमारे पास यहाँ वक्त कम है स्लाइड को समझाने के लिए, लेक्चर मेरे पास कम रह गए हैं और कोर्स कॉन्टेंट ज़्यादा हैं, तो इसी लिहाज से मैं चाहूँगा कि जो कुछ मैं पहले पढ़ा चुका हूँ उसकी मदद से आप अपने अगले लेक्चर को आसान बनाएं, कम टाइम पे हमें कवर कर पाए। तो जब मैं ग्रे टू बाइनरी की कन्वर्जन करूंगा तो यहाँ से मैं एक कोई भी ग्रे कोड लूंगा, और मुझे पता है कि इसके करस्पॉन्डिंग बाइनरी ये है, तो ग्रे कोड को यहाँ मैं इनपुट पे ले लूंगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं 110110, तो 0 इज G0, दिस 1 इज G1, दिस इज G2, दिस इज G3, तो इसकी वैल्यूज रख दें, और XOR का ऑपरेशन आपको पता है कि सेम पे 0 और डिफरेंट वैल्यूज इनपुट पे उसने 1 जनरेट कर रहा है। तो जरा देख लेते हैं, किसको देखते हैं, ये R1 से ये जनरेट करेंगे, तो 1111। अब मैं यहाँ से प्रोसेस करूँगा, ठीक है जी, G3 और G2, तो G3 1 है तो ये B3 तो 1 है डायरेक्टली, और दोनों 1 पे G2 और G3 1 है, सेम पे 0, देखिए ये 0 आ गया, सॉरी ये 1 आ गया और फिर ये 0 आ गया, ठीक है जी। हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं जब जनरेट करते हैं। अब जो ये 0 आ गए, 0 को आप ले लें, और ये 1 ऑलरेडी हमने इनपुट किया, तो 1 और 0 डिफरेंट है, रिजल्ट इज 1, ये 1 हमने जनरेट कर दिया,
इस वन को आप यहाँ लें, जी नॉट तो वन है, दोनों वन है, सेम पे जीरो, तो ये जीरो आपका आउटपुट आ गया। इस तरह आप कोशिश करें तीन या चार आप वैल्यूज ग्रे कोड को लेके उनको प्रोसेस करके उनके बाइनरी कोड कन्वर्ट करके उनको वेरीफाई करें कि आप सही प्रोसेस कर रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर इसी चीज को आप उसकी रिक्वायरमेंट है कि आप कन्वर्ट करें एक बाइनरी नंबर को ग्रे कोड में और एक ग्रे कोड को बाइनरी नंबर में। देखिए ग्रे कोड है और बाइनरी नंबर है, नंबर में आपके वेट या बेस को हम लेके चलते हैं, ग्रे कोड में कोई बेस या वेट नहीं है, ठीक है जी। अच्छा जी, तो हमारे पास दो पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में हमने बाइनरी को ग्रे में कन्वर्ट करना है और पार्ट बी में हमने ग्रे को बाइनरी में। तो यहाँ पे यही चीजें हैं कि बाइनरी नंबर जो गिवन है वो 1011 है। अब आप यहां से जाएंगे, ठीक है जी, तो जीरो एज इट इज जीरो, 01 का XOR 1 आता, फिर इस 1 और इस 0 का XOR रिजल्ट 1 आएगा, फिर 0 और 1 का XOR रिजल्ट 1 आएगा, ठीक है जी। अब इस यहाँ पे ग्रे कोड आपको गिवन है कि जो 110 वाला। अब दोबारा सबसे पहले नीचे से जाएंगे, मोस्ट सिग्निफिकेंट जो कहना तो नहीं चाहिए ग्रे कोड, तो मुझे वेट तो नहीं है 12, लेकिन लेफ्ट मोस्ट बिट का है तो ज्यादा बेहतर है, उसको एज इट इज ले लेंगे। दिस इज B3, इन दोनों को आपने एक्सॉर करना है, दिस इज B2 और G1 को एक्सॉर करें, तो ये 1 और 1 यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 0 और 1 1। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें, इंशाल्लाह इसकी आपको समझ आ जाएगी। अब एक रिलेटेड प्रॉब्लम है, हाउ मेनी एक्सक्लूसिव और गेट्स आर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 8 बिट ग्रे टू बाइनरी। देखिए 8 बिट ग्रे, यहाँ पे कितने बिट हैं, 4, यहाँ पे 4 बिट है। आप 3 बिट नंबर भी ले सकते हैं, 4 बिट भी, 5 भी और 6। तो यहाँ 4 बिट के लिए मुझे कितने XOR की जरूरत पड़े, 3, तो 5 के लिए एक और लगा देंगे, 6 के लिए एक और लगा देंगे। इस तरह आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 8 बिट को कन्वर्ट करने के लिए कितने XOR गेट की मुझे जरूरत पड़ेगी। तो इससे आप उसको समझ लें और आंसर कर लें। सेल्फ रिव्यू, दो क्वेश्चन है, कन्वर्ट दी BCD नंबर डिजिट्स टू बाइनरी, ठीक है जी। ड्रॉ द लॉजिक डायग्राम फॉर कन्वर्टिंग एन 8 बिट बाइनरी नंबर टू ग्रे कोड। तो बाइनरी टू ग्रे, अब यहाँ पे कितने बिट हैं, 4 बिट। 4 बिट के लिए कितने आपने, इसी तरह आप 30 से चले जाएं और 8 बिट तक चले जाएं, कितने XOR गेट की जरूरत पड़ेगी वो क्लियरली आप बता पाएंगे। 4 बिट के लिए 3 है, तो 8 बिट के लिए 7। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर कह लें या डेटा सिलेक्टर कह रहे हैं, एक ही चीज़ के दो नाम हैं। मल्टीप्लेक्सर को आपने इससे पहले भी पढ़ा, समझा और सुना होगा। मल्टीप्लेक्सर एक डिवाइस है, या ऐसी डिवाइसेस को कहते हैं जो डिजिटल इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करती है, लेकिन इस तरह कि जैसे मैं यहाँ पे देखूँ, इन अ मल्टीप्लेक्सर डेटा गोज फ्रॉम सेवरल लाइन्स टू वन लाइन। यानी आपके पास 2, 4, 6, 8, 5 जितनी भी लाइन उनमें से डेटा आप ट्रांसमिट कर रहे हैं, आगे एक कॉमन लाइन है। इनपुट में नंबर ऑफ लाइन हैं और उनको आपने एक कॉमन लाइन से उस डेटा को पास करना है, ठीक है जी। तो अब आप एक सिलेक्शन का प्रोसेस चलाएंगे कि किस वक्त किस इनपुट को उस कॉमन आउटपुट के साथ कनेक्ट किया जाए। तो यहाँ पढ़ लेते हैं, मल्टीप्लेक्सर या मक्स, इसको मक्स भी लिखते हैं, इज अ डिवाइस दैट अलाउज डिजिटल इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेवरल सोर्सेज टू बी राउटेड ऑन टू अ सिंगल लाइन फॉर ट्रांसमिशन ओवर दैट लाइन टू अ कॉमन डेस्टिनेशन। द बेसिक मल्टीप्लेक्सर हैज सेवरल डेटा इनपुट लाइंस एंड अ सिंगल आउटपुट लाइन। तो बेसिक मल्टीप्लेक्सर हैज सेवरल डेटा इनपुट लाइंस एंड अ सिंगल आउटपुट लाइन। दूसरी चीज, इट ऑल्सो हैज डेटा सिलेक्टर इनपुट्स विच परमिट डेटा डिजिटल डेटा ऑन एनी वन ऑफ द इनपुट्स टू बी स्विच्ड टू द आउटपुट लाइन। मल्टीप्लेक्सर आर ऑल्सो नोन एज डेटा सिलेक्टर। अब इसको हम समझते हैं कि क्या 4 इनपुट मल्टीप्लेक्सर और एक्सपेंडेड मल्टीप्लेक्सर को हम समझेंगे। ज्यादा तवज्जो हमारी होगी 4 इनपुट मल्टीप्लेक्सर की तरफ। अब ये हमारे पास डायग्राम है, इसमें मल्टीप्लेक्सर के इनपुट और आउटपुट को हमने शो किया है। आपके पास डेटा इनपुट है,
यहाँ पे फोर इनपुट लाइन है तो फोर डेटा, और सिलेक्टर के लिए हमने दो डेटा, सिलेक्टर के लिए दो हम इनपुट ले रहे हैं, एक को एस0 का नाम दे दिया, एक को S1 का नाम दे दिया। तो डेटा इनपुट में हम चार लाइन इस्तेमाल कर रहे हैं, और सिलेक्शन के लिए दो लाइन है, और आउटपुट के लिए एक ही लाइन। एक लाइन क्यों, हमने इसको अभी डिस्कस किया कि इन मल्टीप्लेक्सर डेटा गोज फ्रॉम सेवरल लाइंस टू वन लाइन, ठीक है जी, फ्रॉम सेवरल लाइंस टू वन लाइन। सेवरल लाइन में हमने चार लाइन है और वन लाइन आउटपुट है। अब जरा मुझे ये देखना, मैं डेटा हो सकता है कंटिन्यूस भेज रहा हूँ D0 पे, D1 पे, D2 पे, D3 पे, या जैसे भी, लेकिन एक वक्त में एक लाइन के डेटा को कनेक्ट करूंगा मैं Y के साथ। अब कैसे करूंगा कनेक्शन के लिए, तो ये कंट्रोल इनपुट है इनकी मदद से। और नॉर्मली मैं इस तरह करता हूँ कि D0 क्योंकि जीरो इनपुट है, इसको D1 का नाम दिया, D2, D3, ये दोनों अगर बाइनरी जीरो जनरेट करें, जैसे S0 भी जीरो, S1 भी जीरो, तो उस वक्त आप D0 को कनेक्ट करेंगे Y के साथ, बाकी जितने भी इनपुट हैं वो उन पे कुछ भी डेटा आप सेंड करेंगे वो डेटा आउटपुट में अपियर नहीं होगा, एक तरह से वो डिसेबल हो जाएंगे। और जब इनकी वैल्यू आप वन कर देंगे, जैसे S0 की जगह 1 लिख दें और S1 की जगह 0, तो उस वक्त आप जो डेटा लाइन कनेक्ट करेंगे आउटपुट के साथ वो D1 है। इस तरह अगर इन दोनों इनको आप S1 1 हो और ये S0 0 हो, तो उस वक्त D2 लाइन विल बी कनेक्टेड टू आउटपुट लाइन। S1 और S0 दोनों 1 हो तो D3 लाइन विल बी कनेक्टेड टू दी आउटपुट लाइन Y, ठीक है जी। तो इसको जरा सा मैं रिपीट करता हूँ कि हमारे पास इनपुट में नंबर ऑफ लाइन है, आउटपुट में सिर्फ एक ही लाइन है। इनको सिलेक्शन के लिए हम कंट्रोल इनपुट इस्तेमाल करते हैं या सिलेक्शन इनपुट इस्तेमाल करते हैं। अब सिलेक्शन इनपुट की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि आप किस डेटा इनपुट को आउटपुट के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। अब थोड़ा से इसके ट्रू टेबल हम बना देते हैं, टेबल बना देते हैं कंट्रोल के लिहाज से, कि अगर S0 S1 दोनों जीरो तो ये आउटपुट है Y विल बी इक्वल टू D0। S0 1 और S1 0 हो तो आउटपुट Y इज इक्वल टू D1, S1 1 और S0 0 तो आउटपुट विल बी D2, यानी Y विल बी इक्वल टू D2। इस तरह S1 और S0 दोनों 1 हो तो Y इज इक्वल टू D3। अब इसको हम एक्सप्रेशन वाइज कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे एक एंड गेट बना दें, तो एंड गेट के लिहाज से D0 और S1 S0 को आपने इस्तेमाल करना है। आप कैसे करेंगे, एंड गेट में तीन इनपुट है, यानी Y बराबर है, जो आउटपुट है वो इन तीनों पे डिपेंड करते हैं, तो तीनों का एंड आपने करना है। तीनों का एंड करेंगे कैसे, क्योंकि तो एंड में हमें तो आउटपुट जनरेट करने के लिए 1 बनाना है, तो S0 बार S1 बार या S1 बार S0 बार D0, ये इसकी लॉजिक बनेगी। और इसकी लॉजिक क्या बनेगी, S1 बार S0 D1, और इसकी लॉजिक S1 ये 0 है ना, तो S0 बार D2, और इसकी लॉजिक S1 S0 D3, ठीक है जी, ये अलग अलग है। फिर आगे जाके हम उनको और कर देंगे, देखते हैं हम जरा। तो ये हमारे पास लॉजिक है, जो आउटपुट है वो D0 के लिहाज से इसका एक एंड गेट होगा, जिसे S0 और S1 का बार होगा D0, इस तरह D1 के लिहाज से ये, D2 के लिहाज से ये, D3 के लिहाज से। इनको आगे हमने और कर देना, आउटपुट तो एक ही है ना, आउटपुट इज एक ही सिंगल, तो सिंगल आउटपुट के लिहाज से हमने इसको इस तरह जनरेट करना। अब बिलफर्ज S0 और S1 दोनों 1 हो तो आउटपुट में आपको किस चीज की वैल्यू मिलेगी, D0 की, D1 की, D2 की, D3 की, देखते हैं। देखिए S0 और S1 दोनों क्या हो, 0 0, तो 0 का मतलब यहाँ 1, इसका मतलब है यहाँ 1। अब इस जो गेट का आउटपुट उसने डिपेंड करना है किस पे, D0 पे। D0 0 है तो आउटपुट 0, D0 1 है तो आउटपुट 1। लेकिन यहाँ पे चूंकि S0 0 हम लेके चल रहे हैं, तो S0 0 होने की वजह से D0 1 हो या 0, आउटपुट इज 0। यहाँ पे S1 0 होने की वजह से D2 0 या 1 हो, कुछ भी हो, आउटपुट इज ऑफ दैट एंड गेट 0। यहाँ पे दोनों चूंकि 0 है S0 S1, तो इसकी वजह से जो एंड गेट इस टर्म के लिए आप इस्तेमाल करें उसमें 0 जनरेट करना है। D3 की वैल्यू कुछ भी हो, इस पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा।
तो जब एस नॉट और एस वन जीरो होंगे तो डी टू विल अपियर एट द आउटपुट, और इन सब की जगह जो आउटपुट में क्या आना चाहिए वो जीरो जीरो। अब चूंकि ये तीनों चारों हम इनपुट दे रहे हैं कहां पे, और गेट में, तो इनका तो जीरो जीरो होगा जब एस नॉट एस वन जीरो। बाकी अगर डी नॉट वन है तो आउटपुट विल बी वन, डी नॉट जीरो तो आउटपुट विल बी जीरो, क्योंकि अगर डी नॉट जीरो है तो यहाँ पे जो फोर्थ इनपुट है बाकी तीन के अलावा वो भी जीरो होगा, तो और गेट की वैल्यू आउटपुट की वैल्यू विल बी जीरो, और डी नॉट वन है तो और गेट की वैल्यू विल बी आउटपुट दैट और गेट विल बी वन। तो इसी तरह अगर आपको इस क्लास से डी वन को आउटपुट में अपियर करना चाहेंगे तो आप एस नॉट वन रखेंगे और एस वन जीरो रखेंगे। तो ऐसी सूरत में इन दोनों ने वन जनरेट करना एंड गेट की इनपुट क्लास से, और जो वैल्यू डी वन की होगी अगर जीरो है तो इस टर्म में एंड गेट ने जीरो जनरेट करना है, और अगर डी वन इज वन तो एंड गेट ने वन जनरेट करना है। बाकी आपके पास डी नॉट डी टू डी थ्री चाहे जीरो या वन हो, इस टर्म इन तीनों टर्म ने जीरो ही जनरेट करना है। तो एस नॉट और एस वन की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि आप आउटपुट में डी नॉट को अपेयर करना चाह रहे हैं, डी वन को, डी टू को, डी थ्री को। थोड़ी सी प्रैक्टिस के लिए आप एस नॉट और एस वन दोनों को वन वन रखें, फिर देखिएगा कि इसका आउटपुट जीरो आएगा या नहीं, इसका आउटपुट जीरो आएगा या नहीं, इसका आउटपुट जीरो आएगा या नहीं, तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा इसका आउटपुट डी नॉट डी वन डी टू पे डिपेंड इसकी डिपेंडेंसी नहीं होगी, वो तो वैसे ही जीरो है। हाँ, इसकी जो आउटपुट की डिपेंडेंसी डी थ्री पे है, ये वन है ये वन है, अब एंड के लिहाज से अगर डी थ्री जीरो है तो आउटपुट जीरो, डी थ्री वन है तो आउटपुट वन। तो थोड़े से आप प्रैक्टिस कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, तो इंशाल्लाह इसकी आपको समझ आएगी कि एक मल्टीप्लेक्सर कैसे काम करता है। आउटपुट इसके एक है और नंबर ऑफ इनपुट ज्यादा है, और सिलेक्टर आपके पास इनपुट है, तो सिलेक्टर इनपुट और आउट डेटा इनपुट को मिला के आप एक ऐसी लॉजिक बनाते हैं कि जिस इनपुट को आप आउटपुट में अपेयर करना चाहें, सिलेक्टर इनपुट की उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू सेट करने से उसी इनपुट को आप आउटपुट के साथ कनेक्ट करेंगे, या वे इनपुट को आप आउटपुट में अपेयर कराएंगे। तो होपफुली इसकी आपको समझ आ गई है, कोई इतना मुश्किल नहीं। इसके डायग्राम भी हम देखते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन के लिहाज से, इम्प्लीमेंटेशन में आप देखिएगा एक एंड गेट, दो एंड गेट, तीन एंड गेट, चार एंड गेट, कितने एंड गेट्स हैं, चार। और एंड गेट के कितने इनपुट हैं, एक दो तीन, एक दो तीन, तीन तीन इनपुट। तो हम एंड गेट इस्तेमाल कर रहे हैं कितने, चार, और अर एंड गेट के आपको नजर आ रहे हैं कितने इनपुट हैं, तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन। ठीक है जी, ये एंड गेट डी नॉट के लास्ट से, ये डी वन के लास्ट से, ये डी टू और ये डी थ्री। तो जो डी नॉट के लास्ट से तो एक इनपुट उसका डी नॉट है, डी वन के लास्ट से एक इनपुट डी वन है, इस तरह डी टू और डी थ्री। बाकी जो दो इनपुट है वो हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, हम दोबारा इसको देखते हैं। बाकी दो इनपुट में देखें, डी नॉट के लास्ट से जो एंड गेट है एक इनपुट, तो डी नॉट एज इट इज है। बाकी जो एस वन और एस नॉट इनको आप इन्वर्ट करके दे देंगे इस गेट के। ओके, यहाँ पे देखिएगा ये एस नॉट को हमने पहले इन्वर्ट किया, फिर यहाँ पे एज ए इनपुट इस्तेमाल किया, फिर एस वन को हमने इन्वर्ट किया और एज ए इनपुट यहाँ इस्तेमाल किया। ठीक है जी, तो कहाँ जहाँ इन्वर्ट करना होगा, जो एस नॉट के बाद इन्वर्टर लगाया वहां से हम इनपुट लेंगे, और जहाँ इन्वर्ट नहीं करना है तो हम डायरेक्टली एस नॉट या एस वन से लेके कनेक्ट करेंगे। तो आपने इसको देखना है, डी नॉट के करस्पॉन्डिंग एंड गेट को मैंने आपको समझा दिया, डी वन के एंड गेट को आपने समझना है। तो इसकी एक इनपुट तो डी वन है, बाकी दो इनपुट में आप देखेंगे एस नॉट और एस वन को कैसे हम लेके यूज करेंगे। चलो मैं ये भी आपको बता देता हूँ, डी वन के लिहाज से एस वन बार है और एस नॉट एज इट इज है, तो एस नॉट एज इट इज है, एज इट इज का मतलब है आप यहां से ले रहे हैं इसको, एज इट इज का मतलब है आप यहां से ले रहे हैं, ठीक है, यहां से आपने एज इट इज ले लिया। फिर एस वन का बार है तो एस वन को आपने यहां से ले लिया, यहां से नीचे आइएगा इसके साथ कनेक्ट किया। तो अब आप बाकी तमाम एंड गेट को समझिएगा, एंड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको हमने और करना है, तो और गेट फोर इनपुट और गेट है, और जो आउटपुट है वो वाई है। तो ये आपके पास मल्टीप्लेक्सर का की इम्प्लीमेंटेशन है, तो इस सर्किट को आपने इस तरह समझना है। हो सकता है आगे मैं
इस डिटेल में और सर्किट को ना समझाऊं क्योंकि टाइम कम है हमारे पास, तो आपको जरा सी मेहनत खुद ही करनी पड़ेगी तमाम चीजों के लिए। अगर आप सिर्फ टीचर की डिपेंडेंसी पे रहेंगे तो आपको आगे समझने में दिक्कत होगी। टीचर आपको गाइड करे, अगर 60-70% टीचर की वजह से आपको समझ आए, बाकी आपने 30-40% खुद समझना है। ये यूनिवर्सिटी लेवल में आपकी जो लर्निंग है वो इस तरह है, तमाम चीजों को जो लो लेवल में एक एक चीज को सिर्फ टीचर ही समझाता है, या हमारी कोशिश तो होगी कि आपको आसान कर दें समझाना, लेकिन एक स्टेप समझाने के बाद अगला सिमिलर टाइप का स्टेप आपने खुद समझना। ठीक है जी, तो हमने यहाँ पे इसको पढ़ लिया, समझ लिया अल्हम्दुलिल्लाह मल्टीप्लेक्सर को। 4 इनपुट मल्टीप्लेक्सर है क्या, आप 8 इनपुट मल्टीप्लेक्सर बना सकते हैं? 8 इनपुट के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, चले जरा से इसको यहाँ पे देखते हैं। 8 इनपुट में जाहिर बात है डेटा इनपुट के जो लाइन है वो D0 से D7 तक आप जाएंगे, यानी कितने आपके पास नंबर ऑफ इनपुट्स होंगे, 1, 2, 3 से लेकर 0 से लेकर 7 तक। ठीक है जी, तो D0, D1, D2, D3, D4, 5, 6, 7 सिलेक्शन के लिए आप क्या करेंगे? अब चूंकि आप सिलेक्शन के लिए आपको बाइनरी कॉम्बिनेशन कितने चाहिए होंगे, 8 बाइनरी कॉम्बिनेशन, भाई आपके 8 इनपुट है तो बाइनरी कॉम्बिनेशन भी आपको जरूरत पड़ेगी, वो 8 की जरूरत पड़ेगी। तो सिलेक्शन के 2 इनपुट से बाइनरी के 4 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, तो 4 इनपुट को तो आप सिलेक्ट कर पाएंगे लेकिन उससे ज्यादा को नहीं कर पाएंगे। तो उससे हम क्या करते हैं, सिलेक्शन के नंबर ऑफ इनपुट्स को बढ़ा देते हैं, 3 करते हैं। तो 3 इनपुट में आप बाइनरी में कहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं, 0 से 7 तक, जो कि 8 है। तो 0 को आप कनेक्ट करेंगे जब लॉजिक बनाएंगे D0 के साथ, फिर इस तरह D1 के साथ 1 को, फिर D2 के साथ 2 को, जैसे कि हमने यहाँ पे किया था। ठीक है जी, तो जैसे D0 के लिए 0 नजर आ रहा है ना, 0 0, मतलब 0 ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। इस तरह अगर आप D4 तक जाते हैं तो यहाँ जो 2 बिट्स हैं डेटा सिलेक्टर की इनपुट्स हैं उससे काम नहीं चलता, फिर आगे के लिए आपको एक और बिट की जरूरत पड़ती जो S2 का नाम देते हैं इसको। तो D0 के लिए आप लिखते हैं 0 0 0, D1 के लिए 0 0 1, D2 के लिए 0 1 0, D3 के लिए 0 1 1, D4 के लिए क्या लिखते हैं, 1 0 0। अच्छा, D4 की लॉजिक अगर आप बनाते तो उस एंड गेट के लिहाज से आप कैसे काम करते, जरा इसको देखते हैं कि D4 भी आप लेते, S0, S1 और S2 भी लेते, तो एंड गेट की कितने इनपुट होंगे, एक तो S2, S1, S0 और एक D4, 4 इनपुट। यहाँ देखिए हमारे पास 3 इनपुट है, D0 और D के लिहाज से, फिर S0 और S1, तो 3 है ना, और एंड गेट में आपको कितने इनपुट नजर आ रहे हैं, 3। लेकिन जब आप 8 डेटा बिट जो आपके 8 हो तो उस वक्त आपको 4 इनपुट की जरूरत पड़ेगी, 3 डेटा सिलेक्टर इनपुट और एक जो ओरिजिनल इनपुट है वो। ठीक है जी, तो एंड गेट के 4 इनपुट होते, एक S0, एक S1, एक S2 और एक D0। फिर दूसरे एंड गेट में भी 3 तो यही होते, लेकिन अब चौथा D1, फिर इस तरह 3 यही होते, फिर D2, फिर 3 यही होते, फिर D3, इस तरह चलते चले जाते। तो आपको कितने एंड गेट की जरूरत पड़ेगी, 8 एंड गेट्स की, 8 एंड गेट, और एंड गेट के 4 इनपुट। तो जो D4 वाला आपके पास एंड गेट है उसका 1 इनपुट तो D4 है। दूसरा इनपुट क्या होता, S0, S1 और S2 की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे 1 0 0, तो एक तो आपके पास S2 एज इट इज, ये 0 0 होने की वजह से S1 बार, S0 बार। ठीक है जी, तो थोड़ी सी मैंने डिस्कशन की है, मल्टीप्लेक्सर एक ऐसा मल्टीप्लेक्सर जिसके डेटा इनपुट में हमें 4-8 इनपुट लाइनें होती हैं, एक आउटपुट लाइन, और सिलेक्शन के लिए 3 लाइनें हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, अब जो यहाँ पे एक एग्जांपल है उसमें पल्स इनपुट हम दे रहे हैं डेटा के लिहाज से और पल्स इनपुट दे रहे हैं कंट्रोल के लिहाज से, फिर हम देख रहे हैं कि किस टाइम ड्यूरेशन में किस डेटा लाइन को आप कनेक्ट कर रहे हैं आउटपुट के साथ। देखिए यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक S0 S1 0 0 है, S0 S1 0 0 तो क्या होता है, तो आप किस इनपुट को आउटपुट के साथ कनेक्ट करते हैं, आप D0 को कनेक्ट करते हैं, जब S0 और S1 0 0 तो D0 को कनेक्ट करते हैं आउटपुट के साथ।
तो आपको यही चीज यहाँ पे नजर आएगी कि जब एस नॉट एस वन जीरो है तो आउटपुट इज इक्वल टू डी नॉट, आउटपुट इज इक्वल टू डी नॉट। जब अब आगे आप एस नॉट वन है और एस वन जीरो है तो उस वक्त आप आउटपुट को कनेक्ट करेंगे किसके साथ, डी वन के साथ। अब डी वन की वैल्यू क्या है देखते हैं, डी वन यहाँ से हाई है तो यहाँ हाई मिलेगा, इस वक्त डी नॉट की वैल्यू क्या थी लो तो लो मिलेगा। अब इसी दौरान डी टू डी थ्री डी वन कुछ भी है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जो वैल्यू जिसने अपियर होना है आउटपुट में वो डी नॉट है, किसने अपियर होना है आउटपुट में डी नॉट में अपियर होना। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे एक रैंडमली देखता हूँ दोनों वन वन है, तब दोनों वन वन है तो वन वन का मतलब वैसे ही अगर आप संप्लीज देखिएगा उसका मतलब है थ्री, तो डी थ्री विल अपेयर एट दी आउटपुट, डी थ्री विल बी अपेयरिंग एट दी आउटपुट। जब एस नॉट और एस वन दोनों वन वन हो तो क्या होना चाहिए था, एस नॉट एस वन दोनों वन वन हो तो किस आउटपुट में अपेयर होना है, इनपुट में अपेयर होना है आउटपुट में डी थ्री में। तो आपको देखिएगा जब एस नॉट और एस वन दोनों वन वन है तो डी थ्री में आउटपुट में अपेयर होना है, एस नॉट एस वन 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 है तो किस आउटपुट में अपेयर होना है, इनपुट में अपेयर होना है आउटपुट में डी थ्री में। तो ठीक है, तो होपफुली अब इसकी आपको समझ आ गई है, तो सोल्यूशन में इसी चीज को डिस्कस किया गया और एक रिलेटेड प्रॉब्लम है आपकी प्रैक्टिस के लिए गिवन है, आप देख लीजिएगा। नाउ डेटा सिलेक्टर, जैसे मैंने आपसे बात की हमारे पास चार इनपुट फोर इंटू वन है, इस तरह एट इंटू वन है, इस तरह सिक्सटीन इंटू वन है। जो हमारे पास अवेलेबल आईसी है जो मार्केट में अवेलेबल है 74LS151, ये एक मल्टीप्लेक्सर है। कैसा मल्टीप्लेक्सर है, जिसमें आप इनपुट के आठ लाइनों को की मल्टीप्लेक्सिंग करते हैं और आउटपुट में एक सिंगल लाइन है, इनपुट की आठ लाइन है आउटपुट की एक सिंगल लाइन है। क्योंकि आप इनपुट की आठ लाइन है तो कंट्रोल के आपके पास कितनी लाइन होनी चाहिए, एस नॉट एस वन एस टू तीन, ये सिर्फ एक आईसी को आप कंसीडर करें। इस तरह यहाँ पर भी आठ लाइनें हैं, यहाँ पर भी आठ लाइनें हैं, तो आठ लाइनों को अगर आपने सिलेक्शन के लिहाज से कंट्रोल करना है तो तीन इनपुट की आपको जरूरत पड़ेगी, एक सॉरी ये नीचे से देखते हैं जीरो वन टू आती, तीन इनपुट की आपको जरूरत पड़ेगी इन आठ। अब अगर मैं इन दोनों को मिला के खास तरतीब से इस्तेमाल करूं तो मेरे पास एक ऐसा मल्टीप्लेक्सर बनेगा जिसकी आठ और आठ 16 लाइनें होंगी इनपुट की और एक आउटपुट की लाइन होगी। तो ये डेटा सिलेक्टर से इसके से आप देखिएगा डेटा शीट से इस आईसी के, अगर आपको सिंगल इस्तेमाल करना है तो आप कैसे इस्तेमाल करें दो, और अगर आठ के बजाय मैं 24 इनपुट लूँ लाइनें और एक आउटपुट लाइन लूँ तो मुझे थोड़ी सी एक्स्ट्रा कनेक्टिविटी के लिहाज से कुछ काम करना पड़ेगा एक्सटर्नली। जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है इसके एक इनेबल इनपुट है, इसका एक इनेबल इनपुट है, तो इस इनेबल और इस इनेबल के बीच में मैंने एक इन्वर्टर लगाना होगा। ओबियसली इसको आपको समझ आती है कि अगर या तो आप यहाँ से कोई इनपुट लाइन को यहाँ आउटपुट में कनेक्ट करेंगे या तो यहाँ से कनेक्ट करेंगे, दोनों में से एक जगह से कनेक्ट करेंगे, दोनों जगह से तो कनेक्ट व्यापक नहीं करेंगे। तो जब आप यहाँ पे इस पॉइंट को इस आईसी को इनेबल करेंगे तो इसी की लॉजिक को इन्वर्ट करने से ये डिसेबल कर देंगे, इसको आप डिसेबल करने का मतलब है आउटपुट और इनपुट का रास्ता आपने कट कर दिया, तो दिस आउटपुट विल बी नो मोर प्रेजेंटेड एट द आउटपुट। बहरहाल ये मैं इस पर ज़्यादा इसलिए टाइम नहीं लगाऊंगा कि वक्त मेरे पास कम है, लेकिन कम अज कम एक मिनिमम आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ। इस वक्त जो मैं मल्टीप्लेक्सर इस्तेमाल कर रहा हूँ वो मल्टीप्लेक्सर दो आठ इनपुट वाले मल्टीप्लेक्सर को मिला के 16 to 1 मल्टीप्लेक्सर बना रहा हूँ। अब 16 के लिए मुझे जो सिलेक्शन की जरूरत पड़ेगी वो तीन से काम नहीं चलेगा बल्कि चार सिलेक्शन इनपुट की जरूरत पड़ेगी। उस सूरत में इस इनेबल के साथ जो एक लाइन हम कनेक्ट करेंगे उसको हम इस्तेमाल करेंगे एज अ फोर्थ सिलेक्शन इनपुट। देखिए ना, मुझे 16 तक जाना है तो बाइनरी में जो सिलेक्शन के लिए मुझे 0 से लेकर 16 तक 15 तक जाना पड़ेगा तो उसके लिए मुझे 4 बिट की जरूरत पड़ेगी। तो बाय डिफॉल्ट तो इसके हैं ही, और आईसी के तीन तीन इनपुट है तो चौथा इनपुट कहाँ से आएगा, तो चौथा इनपुट हम इस तरह बना सकते हैं। ठीक है जी, तो होपफुली ये किसी हद तक क्लियर है कि एक लो लेवल या कम नंबर ऑफ बिट्स के इनपुट टू आउटपुट मल्टीप्लेक्सर दो मिला के हम उसके एबिलिटी को डबल कर सकते हैं।
8 टू 1 को हम 16 टू 1 कर सकते हैं। तो मकसद सिर्फ इस हद तक आपको समझाने का है कि आपको आइडिया हो जाए कि इस तरह भी काम हम कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज डी मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर को अगर हम दोबारा देखें, मल्टीप्लेक्सर में आपको क्लियरली पता चल रहा है कि नंबर ऑफ इनपुट ज्यादा है, नंबर ऑफ आउटपुट एक ही है। मैनी टू वन मैपिंग है, मैनी टू वन। लेकिन डी मल्टीप्लेक्सर में इसके बिल्कुल उलट आप काम करेंगे। कैसे? वन टू मैनी, एक इनपुट लाइन होगी और आउटपुट लाइनें ज्यादा होंगी। तो इसको जरा देखते हैं हम कि आपके पास एक ही, देखें डेटा इनपुट इज सिंगल और डेटा आउटपुट आर मल्टी लाइन। अब एक ही इनपुट डेटा को किस वक्त डी नॉट के साथ कनेक्ट करना है, किस वक्त डी वन के साथ, किस वक्त डी टू के साथ, किस वक्त डी थ्री के साथ इसको कनेक्ट करना है, तो इसको हम देखते हैं। तो डेटा इनपुट तो आपके पास ऐसी है, डेटा इनपुट तो आपके पास जैसे इसको डी का नाम दें, सेलेक्टर में वैल्यूज चेंज करके आप डी नॉट को या डी वन को या डी टू को या डी थ्री को सिलेक्ट करेंगे कि ये इनपुट किस आउटपुट लाइन के साथ कनेक्ट हो। तो जरा सा गौर कीजिएगा, मैं डी टू के साथ इसको कनेक्ट करना चाहूँ तो एस नॉट और एस वन की क्या वैल्यू होनी चाहिए? अब आपको आइडिया हो गया क्या होनी चाहिए वैल्यू, जीरो जीरो। अब इसको अगर मैं कनेक्ट करना चाहूँ तो डी वन के साथ तो एस नॉट और एस वन की क्या वैल्यू होनी चाहिए, वन जीरो, सिंपल है। इस तरह डी टू के लिए जीरो वन और डी थ्री के लिए जो सिलेक्शन इनपुट है वो वन वन है, ठीक है जी। तो ये आपके पास कनेक्टिविटी है कि आप किस पॉइंट को किसके साथ कनेक्ट करें। तो डी नॉट के लास्ट से जब एस नॉट एस वन दोनों जीरो जीरो हों तो जो डी नॉट की वैल्यू होगी वो यहाँ पे अपेयर होगी। तो हम यहाँ सिंपल एंड गेट को इम्प्लीमेंट करते हैं। कैसे? अच्छा जरा गौर कीजिएगा, हमारे पास इनपुट लाइनें कितनी हैं, एक दो तीन। तो हमें ऐसे एंड गेट इस्तेमाल करना होंगे जिनके तीन इनपुट हों, एक दो तीन, ठीक है जी। तीन तीन इनपुट के एंड गेट आप इस्तेमाल करेंगे, लेकिन कितने एंड गेट, आउटपुट कितनी लाइनें हैं, एक दो तीन चार, क्योंकि हमें चार सर्किट की जरूरत पड़ेगी तो चार एंड गेट। ये अलग अलग सर्किट है, इनके अलग अलग आउटपुट है। डी नॉट का जो एंड गेट होगा, देखिए डेटा इनपुट सब में कॉमन है, हर एंड गेट को आप डेटा इनपुट के साथ कनेक्ट करेंगे। तो डेटा इनपुट इज द फर्स्ट इनपुट ऑफ दिस एंड गेट एंड दिस एंड गेट, दिस एंड गेट, दिस एंड गेट। अब कब इसका इनपुट आउटपुट में अपेयर होगा, इसके लिहाज से हम जो सिलेक्शन तो जो इनपुट है उनको देखते हुए एक्स्ट्रा सर्किटरी इस्तेमाल करते हुए बाकी दो इनपुट को यहाँ कनेक्ट करते हैं। देखें एस नॉट एस वन जीरो है किसके लिए, डी नॉट के गेट के लिए। तो इसका मतलब है एस नॉट बार और एस वन बार। तो एस नॉट और एस वन जो इनपुट है इनको पहले इन्वर्ट करेंगे फिर हम डी वन पे देंगे। तो यहाँ पे देखिए एस नॉट इन्वर्ट हुआ, इन्वर्ट होने के बाद आपने डी वन डी नॉट की जो गेट है उसको आपने एक इनपुट ये दे दी, इसका एस वन को इन्वर्ट किया और उसके बाद यहाँ दे दिया। तो ये इनपुट आपके पास एस नॉट बार है, ये इनपुट एस वन बार है, ठीक है जी। बाकी चीजें भी आप जरा गौर कीजिए, यही चीज आपको नजर आएगी कि जहाँ पे जीरो है तो वहां पे इन सिलेक्टर सिलेक्शन इनपुट को आपने इन्वर्ट किया फर्स्ट, फिर उस गेट को दे दिया। जहां वन है तो वहां पे आपने जो नॉर्मल या टू फॉर्म है उसको दे दिया, ठीक है जी। तो डी वन के लास्ट से मुझे एस नॉट को वन रखना है, एस वन को जीरो। तो एस नॉट वन है तो टू फॉर्म, एस वन जीरो है तो इसको पहले इन्वर्ट किया, इन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे इसके साथ कनेक्ट किया, ठीक है जी। तो होपफुली काफी हद तक आपको इसकी समझ आ गई होगी कि डी मल्टीप्लेक्सर का सर्किट सिंपल एंड लॉजिक है। मल्टीप्लेक्सर में एंड और लॉजिक है, इसमें सिंपल एंड लॉजिक है। तो इसी तरह हम देखेंगे हमारे पास के जो अब यहाँ पे पल्स क्लास से पल्स इनपुट है, एक डेटा आपके पास है और एक सिलेक्शन है इनपुट है, इनकी मदद से मुझे ये पता चलेगा कि कब आउटपुट किस ये जो इनपुट है किस आउटपुट के साथ इसको मैं कनेक्ट करूँ। देखिए यहाँ पे एस नॉट जीरो है, एस वन जीरो है, तो दिस इनपुट विल बी अपीयरिंग एट डी नॉट आउटपुट, बाकी सब जीरो जीरो है, ठीक है जी। और यहाँ जब ये वन है लेकिन सिलेक्शन इनपुट में एस नॉट वन है और एस वन जीरो है,
तो इस वक्त D1 पे इसमें इसमें अपियर होगा, ठीक है जी। तो ये वन जो इनपुट का है वो कहाँ अपियर होगा, किसके साथ इसको आप कनेक्ट करेंगे, D1 आउटपुट। तो बाकी आप देखिएगा, मैं यहाँ से देखता हूँ, बल्कि यहाँ से देखता हूँ, जब डेटा इन यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे क्या है, जीरो है, तो S1 और S0 की वैल्यू को देखेंगे तो S0 1 है और S1 जीरो है। सिंपली आप किसके साथ इसको कनेक्ट कर रहे हैं, D1 के साथ। तो दिस जीरो विल बी अपेयरिंग एट द आउटपुट D1, बाकी तमाम जो देखिए आपको जीरो ही मिलेगी। देखिए डेटा की वैल्यू जो होगी वो तो करस्पॉन्डिंग आउटपुट पे इसमें अपियर होना है, चाहे जीरो या वन, बाकी जितने आपके पास आउटपुट हैं उन वहां पे आपको जीरो ही मिलेगा, ठीक है जी। तो आप जरा से वर्किंग है, थोड़ी सी मेहनत करें। डेवलप द टाइमिंग डायग्राम फॉर मल्टीप्लेक्सर इफ S0 एंड S1 वेवफॉर्म्स आर बोथ इन्वर्टेड। अब इस S0 S1 को आप इन्वर्ट कर ले, जीरो है वन कर दें, वन है जीरो कर दें, उसके बाद आप बताइए कि किस वक्त जो डेटा है उसमें किस आउटपुट पे अपेयर होना है। तो थोड़ी सी वर्किंग है, जब आप ये कर लेंगे इंशाल्लाह फिर आपको ये क्लियरली इसकी समझ आ जाएगी, सिलेक्शन की भी समझ आ जाएगी, वेवफॉर्म की भी आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। आगे चलते हैं, हमारे पास जो एक IC फॉर्म में जरा सा इसको भी देखते हैं थोड़ा सा। इस तरह के हमारे पास एक डेटा आपके पास, अब चूंकि ये डी मल्टीप्लेक्सर है तो डेटा इनपुट विल बी अ सिंगल लाइन, डेटा आउटपुट विल बी मल्टी लाइन। अब यहाँ पे जो है ये 1 to 16 है, 1 to 16 है जी हाँ, D0 से लेकर D15 तक आप जाते हैं, जो कंट्रोल के लिए आपको अब 4 सिलेक्शन इनपुट की जरूरत पड़ेगी। ब्रैकेट में जो आपको नंबर नजर आ रहे हैं वो जो IC है उसकी पिन नंबर है, तो इसके पिन नंबर 18, 19 वगैरह वगैरह। अब इसको आपने ग्राउंड करना, ये भी जरूरी है, इसको आपने ग्राउंड नहीं करेंगे तो आप कंटिन्यूस एक ऐसी वैल्यू देंगे जो कि आपके इस डेटा इनपुट से हो सकता है सेम ना हो, तो आपको इसे ग्राउंड करना होगा। और इसके अलावा कुछ और भी इनपुट्स होते हैं जिसको आपको 5 वोल्ट या जो जितने हाई वोल्टेज देना पड़ते हैं, और कुछ इनपुट को जीरो करना पड़ता है। तो ये आप इसकी जो डी मल्टीप्लेक्सर के IC नंबर लिखिएगा, उसको गूगल कीजिएगा, तो काफी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी जब प्रैक्टिकली आप एक डी मल्टीप्लेक्सर को इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा डी मल्टीप्लेक्सर जो 1 to 16 लाइन की। सेल्फ रिव्यू के कुछ क्वेश्चन हैं, देखिएगा। तो आपका लेक्चर भी काफी लेंदी हो गया, लेकिन तमाम 5 को आपने समझना है, और समझने के बाद एक एक एक्सरसाइज, एक एक एग्जाम्पल को समझ के खुद दोबारा करना है, इसके बाद इंशाल्लाह आप इस काबिल होंगे कि ये चैप्टर जो हमने इंशाल्लाह अभी एंड कर रहे हैं तो उसकी समझ आ जाएगी। एक आध इसके और भी टॉपिक हैं जिनको मैंने फिलहाल डिस्कस करना मुनासिब नहीं समझा, लेकिन अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड होंगे बाद में तो इंडिविजुअली इंशाल्लाह आ जाए, मैं उनको टाइम दे दूंगा, लेकिन फिलहाल तो जो वक्त कम है तो जो बेसिक और ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक हैं उनको हम ज़्यादा ध्यान देंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।